सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज, बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था एक स्टूडियो के लिए अपने मून लैंप लेने का। तो गाइज, अभी मैंने अमेजोन पे सर्च किया इसको, तो ये 1200 के करीब दिखा रहा है। सब लोग प्राइस देख सकते हो, तो भाई इतना महंगा तो मैं परचेस नहीं करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं हर्ष भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ बना सकते हैं वो या फिर नहीं। तो अभी चलते हैं उनके पास गाइज। देखते हैं हर्ष भाई अपने क्या कर रहे हैं अभी। तो गाइस, ये रहे हमारे हर्ष भाई अपने पीसी पे बैठे हुए। और हर्ष भाई, क्या हाल चाल? सर बड़े भाई, तुम बताओ क्या हुआ? थोड़ी तबीयत खराब है। सर्दी जुकाम हो गया क्या? हाँ यार। और क्या कर रहे पीसी पे? 200 सब्सक्राइबर बच्चे भाई, 200 होने में यार। गाइस, जिसने भी अभी तक नहीं किया हो सब्सक्राइब तो कर दो सब्सक्राइब, भाई के 200 कंप्लीट हो जाएं और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। क्यों भाई? सही बात है। तो भाई, हाँ भाई, भाई एक लैंप चाहिए था मुझे एक अपने स्टूडियो के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा था तो यार बहुत ही ज्यादा महंगा है भाई। देखो भाई, 1300 रुपए का ये लैंप है। आप गाइस देख सकते हो, 1300 रुपए का ये वाला सोचा था भाई लेने के लिए। अच्छा लग रहा है देखने में, और भी ऑफर में 98% ऑफ है, तब जाकर 1300 का पड़ा। 2000 रुपए का सोच सकते हो, बहुत ही महंगा पड़ेगा भाई फिर तो ये यार। तो क्या किया जाए? तो ऐसे कुछ मिलता जुलता बना सकते हैं, बताओ भाई। बनाया जाए? पक्का? पक्का, चलो ठीक है। तो गाइस, वीडियो में जरूर से बने रहना भाई, तुम्हारा ये मूनलाइट लैंप बना के दिखाएगा। तो गाइस, फाइनली हमने सारा सामान ले लिया है। तो रोहित भाई बताओ क्या क्या लेके आए हम लोग। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने लिया है यहाँ पे ऊन, फिर फेविकोल, और भाई फिर उसके बाद हमने लिया यहाँ पे 2 बल्ब और गुब्बारे और तार थोड़ा सा और होल्डर। और गाइस, साथ में उसके लिए भाई प्लेक तो चाहिए ना, तो 2 प्लेक, क्योंकि गाइस 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग एक नहीं कितने 2 बनाएंगे गाइस। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में जरूर से बने रहना। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, अगर आपको काम है और अच्छी लगे तभी वीडियो करना लाइक, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टेप 1, तो गाइस स्टेप 1 में हमको क्या करना है, ये बैलून लेना है और उसको फुलाना है। रोहित भाई चलो फुलाओ। एक मैं फुलाता हूँ। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे एक एक गुब्बारे को फुला लिया है, और अब क्या बारी भाई? अब स्टेप 2। गाइस, स्टेप 2 में क्या करना है, हम लोगों को लेना है एक बाउल, ठीक है। उस बाउल में क्या करना है, पहले हम लोग थोड़ा सा गम लेना है, आज ही निकलेगा। A few moments later. Finally, finally सांस होगी लंबी वाली। तो गाइस, पानी अब हम लोग को क्या करना है, जो गम लिया उसके साथ थोड़ा सा लेना है पानी। भाई पानी 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 मेरे पास ही है। कुछ भी कुछ भी। अब इसको मिलाएंगे हाथों से। अब इसको करना है हम लोग को मिक्स। रोहित भाई लग जा, ये महान काम आपको। बारी है थर्ड स्टेप की। तो इस भाई बताओ थर्ड स्टेप क्या? थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, इसको ये है, ये बनाया हमने, इसको ऊन को इसमें भिगो देना, इसको इसमें डुबकी लगानी है। अब चल भाई रेडी हो जा। 1 2 3 भाई डुबकी लग गई इसकी। अब इसको अच्छे से हम लोग इसमें भिगो देंगे ताकि इसका जो अंदर तक जो बंधा हुआ है सब कहीं इसके ग्लू लग जाना चाहिए। अब गुब्बारे को लेना है और हमने ये ऊन को भिगोया था ना, इसको क्या करना है, इस पे यहाँ पे बांध के फिर ऐसे ऐसे पूरे में लपेटना है। तो रोहित भाई निकालो भाई ऊन और स्टार्ट हो जाओ। A few moments later. तो गाइस देख सकते हो, हम लोगों ने इस पे लपेट दिया ऊन। भाई खरबूजा लग रहा है मेरे को देखने में। तुमसे अच्छा तो मेरा खरबूजा है भाई। मेरा खरबूजा अलग कलर भी भाई, तुम्हारा पीला है। देखते हैं ना लास्ट में किसका अच्छा है। भाई मेरे को वोट देना भाई, मैं जीतूंगा। वोट A to Rohit, वोट B to Harsh। तो गाइस
एक देना वोट जरूरी, एक देना भाई, इनका खरबूजा नहीं है। अब इसको हम रख देते सूखने के लिए, क्योंकि हम लोग को उसमें कम से कम यार एक दिन तो पूरा सुखाना पड़ेगा कि अच्छे से सूख जाए। तो गाइस जब तक कि आगे काम चालू करते हैं, तो गाइस जब तक कि गुब्बारे सूख रहे हैं, जब तक कि हम लोग ले लें यहाँ पे कार्डबोर्ड के कुछ हिस्से, क्योंकि अब कार्डबोर्ड के हिस्से के पहले रोहित भाई ने इसको देखो बराबर में ही काट लिया है। अब इसको रोहित भाई आगे का चीज बताओ भाई क्या करना है। तो गाइस अब यहाँ पे है इसको काटना है बराबर हमको 6-6 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमको उसको रखने के लिए एक स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, वरना वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको काटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे अब हम इन कार्डबोर्ड के दो दो टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे, तो अभी जोड़ना स्टार्ट करते हैं इनको। तो गाइस अब बारी है इनको आपस में L टाइप जोड़ने की, तो अभी L टाइप में जोड़ते हैं, तब इसका एक नंबर बनेगा स्टैंड। रेडी हो चुका है, अब देखते हैं हम लोग के बैलून सूख गए कि नहीं। तब तक की गाइस अभी हमारे बैलून अभी सूखे नहीं है, तो अभी इनको साइड में सूखने के लिए, तब तक की इसे कनेक्शन का काम कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग चालू करते हैं स्टेप 6। रोहित भाई स्टेप 6 में क्या करना है? तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक होल्डर और एक मीटर तार भाई, कनेक्शन करके उनको जलाना भी तो है, तभी तो हमारा लगेगा मून लैंप। भाई जलाने नहीं है इनको आपस में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, Two hours later. तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए हैं कनेक्शन, और अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की ओर। तो गाइस स्टेप 7 में हम लोग क्या करना है, ये बैलून थे ना उसकी हवा निकाल देनी बस। तो गाइस आप लोगों का ध्यान नहीं रहा था, जल्दीबाजी में हमने बैलून के पहले ही हवा निकाल दी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, देखिए हमने इसमें बल्ब लगा दिया बैलून में हवा निकाल के, और कुछ ऐसा दिखता है अभी। हाँ, तो गाइस अब आपको हम डायरेक्टली मिलते हैं फाइनल रिजल्ट की ओर, क्योंकि अब हम लोग का सब कुछ तो हो गया है, पूरा कंप्लीट है। अब आपको डायरेक्टली लास्ट में दिखाते हैं कि क्या भाई कैसा लग रहा है बनने के बाद, कैसा वर्क करता है। बिल्कुल, A few moments later. तो गाइस फाइनली हमारा मून लाइट लैंप बन के रेडी हो चुका है। तो रोहित भाई बताओ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस, आप लोग को कैसा लगा हमारे सेटअप पे ये दोनों मून लैंप लाइट, जरूर से बताइए कमेंट में। 1300 रुपए मेरे बच गए, 1300 कितना होगा ज्यादा ज्यादा, एक लैंप की कॉस्ट समझ लो ज्यादा 500 मान लो भाई, ज्यादा ज्यादा बता रहा हूं, कमी। ठीक है बस, और गाइस सच में आपने अगर सेटअप पे रखोगे ना भाई मजा आ जाएगी, और खासकर कमेंट में जरूर बताना, ये मैं अभी क्लिप्स डालूंगा उसके बारे में जरूर बताना कि भाई का सिनेमैटिक वीडियो कैसा लगा आपको। और गाइस अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही वीडियो को कर दीजिए लाइक। इतनी मेहनत की है यार, इतना बढ़िया बना के दिया है, तो गाइस यार इतना तो बनता है ना। और हाँ, रुको, क्या हुआ था, ये भाई रोहित भाई ने बनाया है, इसके बगल वाला मैंने बनाया, मानता हूँ अच्छा नहीं बना है, जिता देना है इसको क्या ना भाई, ये मत करना ये। तो गाइस वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, और चैनल पे अगर नए हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं, आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी मस्त सी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।